हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। ये सामने वाला भी चला दो। भैया सामने वाले की वायरिंग ठीक नहीं है, बाकी तो ठीक है। कौन कर रहा है? टेक्निकल देखो ना, कौन आदमी है? टेक्निकल कहाँ है? नहीं नहीं, टीवी रिमोट नहीं है, आपकी वायरिंग इसकी खराब हो रही है। इसकी वायरिंग खराब हो रही है क्या? सर इसकी खराब हो रही है, वायरिंग खराब, चला नहीं है, बाकी तो सब चल रहा है। आज चला नहीं सर। चलिए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आज के विभिन्न प्रकल्प है जिनका उनके कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ है उसके विषय में संबोधन के लिए अनुरोध करता हूँ। मित्रों, वैसे तो अच्छा होता है एक एक पोर्टल के साथ विषय में बताते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी चूंकि सारे एक साथ लॉन्च हो गए हैं तो इसमें एक एक की जो जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर एक पोर्टल का एक अपना महत्व है। और मैं प्रारंभ में ही धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि जिन्होंने ये संज्ञा दी है कि ये पोर्टल की सरकार है। मुझे गर्व है इस बात को सुनने में भी कि पोर्टल की सरकार है और लगातार हम नए नए पोर्टल जन सुविधा के लिए लाते रहेंगे। और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि इस विषय को चुनाव के आखिरी समय तक छोड़े नहीं, ताकि जनता इसको जान सके कि पोर्टल का कितना उपयोग है। और ये पोर्टल को समाप्त करने की बात करेंगे तो जनता इनको समाप्त कर देगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो सुनाते से जैसे एक विषय आया था कि गरीबों की आवास की योजना, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13,000 ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबको सबके सिर पर छत नहीं है, तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1,00,000 नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे। और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये 3-4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ जमीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। तो इस प्रकार से HSVP के द्वारा ये सब आवास कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। तो उसके लिए अभी तो
हम उनकी एक प्रकार से डिमांड इस पोर्टल पर मांग रहे हैं जो पोर्टल आज शुरू किया गया है कि किनके यहाँ अपना मकान नहीं है और किनको उसकी आवश्यकता है, ताकि उस आवश्यकता के हिसाब से कितनी आवश्यकता किस जिला में, किस जिले के जिला केंद्र पर। अब ये शहरों के लिए है तो शहरी क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ की कितनी डिमांड आएगी, आज तो केवल उसका एक पोर्टल ये बनाया ताकि डिमांड हमें मिले और हम इसकी योजना बना सके। हमने कई जिला केंद्रों पर जमीनें आइडेंटिफाई कर ली हैं, कम से कम 5 एकड़, इससे ज्यादा जितनी आवश्यकता होगी उतनी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी प्रकार दूसरा जो पोर्टल है जिसकी हाँ, तो इसका ब्रोशर लिंच करना है, तो फिर इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना। और भी है कि एक ही ब्रोशर है और किसी को उसका तो नहीं है, सारा इकट्ठा करना। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, इसका एक ब्रोशर भी बना करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि पूरी योजना ये लोगों को ध्यान में आ सके। दूसरा जो पोर्टल प्रारंभ किया गया है वो है नो लिटिगेशन पॉलिसी, और वो भी एक विशेष क्षेत्र के लिए है। जैसे पिछले दिनों में अपने को मालूम होगा कि कासन की जो जमीन, उसका एक विवाद बहुत पुराना, मेरा ख्याल 2000 ये अधिग्रहण की सूचना इसकी कब की गई थी, 2011 में की गई थी, लेकिन लिटिगेशन चलते चलते और इस समय तक उसका फैसला नहीं हो पाया था। अब लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी बना करके और इनको ये जमीन जो अधिग्रहण है वो तो फाइनल हो गया था, लेकिन आंदोलन भी था और हमें भी लगा कि उस समय के रेट्स, 2011 के रेट्स और आज के रेट्स में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने एक नई नो लिटिगेशन पॉलिसी अपनी कैबिनेट में पास की है, उसके हिसाब से उसका एक पोर्टल बनाया है कि वो लोग जो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके इसमें आ जाएंगे उनको इसका लाभ मिल जाएगा। और अभी प्रारंभ में 3 महीने का समय रखा है कि 3 महीने ये जो पोर्टल खुला रहेगा उस समय तक इसके सारे लाभ वो ले सकते हैं। लाभ के हिसाब से पहला ये है कि ये नो लिटिगेशन पॉलिसी है, जो इस पर आएगा वो आगे कहीं कोर्ट में दोबारा उसको चुनौती नहीं देगा और किसी प्रकार की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कर भी नहीं सकते, फिर भी हमने कंडीशन रखे कि इसमें जो आएगा वो इन बातों को ध्यान में रख करके आएगा, और अगर पहले कहीं इस भूमि के नाते से कोई मामले लंबित हैं उनको वो वापस लेगा ताकि आगे इस मामले को लिटिगेशन को समाप्त कर सकें। इसमें जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, जो राशि एज पर अवार्ड लगभग 90-92 लाख रुपये पर एकड़ है, एक तो वो मिलेगी उनको, और 1 एकड़ के बदले 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी उनको मिलेगा। विकसित जो क्षेत्र है उसके अंदर ये आवासीय प्लॉट उनको ये मिलेगा, और उसमें जब भी पहली फ्लोटेशन हो जाएगी उस एरिया को डेवलप करने के बाद, उस समय ही वो प्लॉट उनको दे दिया जाएगा। उस प्लॉट की जो कीमत है, इस समय जो फ्लोटिंग का जो टाइम होगा उस टाइम पर उनका जो रेट है उनसे वो लिया जाएगा। इसका तो रेट जो है हमारा निर्धारण उस समय होगा जब ये हम फ्लोट करेंगे, और लेकिन उसमें भी उनका हमने रेट बाईबैक किया नहीं, लेकिन रेट भी कम रखा था जो हमारा कलेक्ट रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा, जो अधिग्रहण रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा उतना ही रेट उनसे वो लिया जाएगा, और बाद में उस प्लॉट को वो बेचेंगे जब भी प्लॉट वो बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि उनको लगता है कि हमें प्लॉट बेचना नहीं है तो उसको एक निश्चित राशि के ऊपर बायबैक भी कर लिया जाएगा ताकि एक निश्चित लाभ उनको मिल सके। इस सारी प्रक्रिया में पहला अनुमान हमारा ये है कि उनको प्रति एकड़ लगभग 2,70,00,000 रुपया की वैल्यू उनको मिल सकेगी। जो 92 लाख रुपया है उसकी बजाय 2,70,00,000 रुपया उनको ये मिल सकेगा। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनका प्लॉट और महंगा बिकता है, जो हमारा रेट है जिसे हम बायबैक करेंगे उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, और उससे अगर ऊपर मार्केट रेट निश्चित रूप से जाएगा ही ऊपर, क्योंकि आज भी मार्केट में काफ़ी महंगे हैं प्लॉट, और वो वर्क बेचते हैं तो उसका और 50 लाख 1 करोड़ 1 एकड़ भी उनको ज़्यादा मिल सकता है। प्लॉट का जो साइज होगा, आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर 150 वर्ग मीटर या उसके मल्टीपल, जितना शेयर जिसका होगा
उसके मल्टीपल्स में 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट ले पाएगा। उसमें यदि 10% का अंतर है, छोटा बड़ा अगर उनका हिस्सा कम ज्यादा आता है, तो वो उस कीमत के हिसाब से लेन देन किया जा सकेगा। अगर उनका प्लॉट कम बनता है, प्लॉट पूरा उनको लेना है साइज का, तो वो 10% उसका पैसा और दे देगा। अगर उनका प्लॉट ज्यादा बनता है शेयर, प्लॉट छोटा है, तो उसका पैसा उनको लौटा दिया जाएगा। तो ऐसा उसका भी एक सिस्टम बनाया ताकि उनको कठिनाई ना आए। 33 वर्ष के लिए उनको प्रति एकड़ 21,000 रुपया जो वार्षिक एक भुगतान दिया जाता है उसको एनुइटी, तो एनुइटी के 33 साल तक वो उसके भी हकदार होंगे प्रति एकड़ 21,000 रुपया। तो ऐसी कुछ जो चीजें हैं उसमें हमें कुछ को सर्टिफिकेट देंगे, यानी जो प्लॉट नहीं लेना चाहता उनको सर्टिफिकेट है। सर, शुरू में तो सभी को एक लैंड एग्रीमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि प्लॉट को 2 साल बाद, प्लॉट 2 साल बाद, क्योंकि जब क्षेत्र विकसित हो जाएगा तब मिलेगा। उससे पहले अभी तुरंत उसको जैसे वो ऑप्ट करेगा उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो सर्टिफिकेट भी बेच सकेगा किसी को भी, वो हस्तांतरण कर सकता है, जो भी कीमत वो बेचना चाहे बेच सकता है। फिर जिसके पास वो सर्टिफिकेट जाएगा वो उसका आगे हकदार हो जाएगा उस प्लॉट का। ये तो अभी जैसे ही लॉन्च करेंगे उसके विद इन मंथ उनको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। सारे अपने क्वेश्चन लिख लें हर एक सभी, क्योंकि 6-7 टोटल हैं तो उसका समय लग जाएगा। एक योजना हमने पहले समाचार पत्रों में जो दी है, दयालु योजना। तो उस दयालु योजना में हमने उसकी पहले सारी योजना तो बता ही दी है कि उसमें जिन परिवारों के, गरीब परिवारों के, किसी भी परिवार के सदस्य की जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक है, मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उनको दी जाएगी। और वो निश्चित राशि का वो स्लैब है, वो बता देता हूँ। लेकिन अगर और किसी प्रकार का लाभ मृत्यु के बाद उसको मिलता है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो राशि घोषित की गई है इससे ज़्यादा कहीं से राशि मिलती है तो ये नहीं मिलेगी। अगर इससे कम मिलती है तो एडजस्ट करके जो डिफरेंस है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन जो राशि मैं बता रहा हूँ उतनी न्यूनतम उसको पूरी कर दी जाएगी। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, उसकी डेथ होती है किसी भी कारण से, तो उसको 1,00,000 रुपए का एक सहायता राशि परिवार को मिलेगी। इसी प्रकार 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2,00,000 रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक उसको 3,00,000 रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5,00,000 रुपए अधिकतम ये राशि है। क्योंकि हम मानते हैं कि 25 साल से लेकर और 45 साल के बीच में ही जो व्यक्ति होता है वो मुख्य रूप से परिवार का पालक वही होता है, आय के साधन उसी के कारण से बने होते हैं। और इस आयु वर्ग का अगर व्यक्ति को चला जाता है तो उसके कारण से उसको जो एक सांत्वना देने के लिए ये राशि उसको दी जाएगी। और 45 से 60 वर्ष तक 3,00,000 रुपए। इसमें कई प्रकार के और भी प्रावधान हैं, यानी किसी का इंश्योरेंस हुआ हुआ तो भी उसको कंसीडर इसी में करेंगे, या किसी का जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है, सड़क दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें 2,00,000 रुपए की योजनाएं हैं, या कोई हमारी स्कीमें हैं, मानो किसान की अलग बनी हुई है या लेबर की अलग बनी हुई है, तो किसी भी डिपार्टमेंट की योजना से जो लाभ मिलने वाला है वो इस 5,00,000 के अंदर शामिल करके जो कम होगा उसको दिया जाएगा। तो आज ऐसे 563 लाभ पात्रों को, ये जो हमने पहले एक बार दी है उसके समेत है, हमने दी थी अबाउट 2-1 महीने पहले, उस समय 250 के आसपास की दी थी, और ये सर 563 और है उसके बाद की। तो इस पोर्टल के साथ हमने 200 कुछ पहले दिए है, और 563 लाभ पात्रों को आज 21,38,00,000 ये राशि जो है आज इसमें अब इस पोर्टल के साथ ही वो रिलीज कर दी गई है, उनके बैंक्स में ये सब चली जाएगी। परिवार पहचान पत्र की बहुत चर्चा पहले होती रही है। परिवार पहचान पत्र वास्तव में एक ऐसा एक विषय बन चुका है जो गरीब परिवार के लिए घर बैठे उसकी सुविधाएं ये देता है। 397 योजनाएं और सेवाएं इसके साथ जुड़ी जा चुकी हैं कि जो भी सत्यापित जितने भी उन परिवारों की जानकारी है उसके हिसाब से उनको सब चीजें देते हैं। जैसे अभी तक जो हमारा बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट था वो पीपीपी में सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर उसको प्रोएक्टिव तरीके से ये पहले जारी किए जा चुके हैं,
लेकिन एक केंद्र सरकार की आवश्यकता में ओबीसी का अलग से एक प्रमाण पत्र होता है। ये हमारा बीसी का प्रमाण पत्र है, वो मिलता है जिसकी आय 6 लाख रुपया वार्षिक से कम है, जो एक लगी हुई है प्रीमियर। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वो प्रीमियर 8 लाख रुपया है। तो अगर केंद्र सरकार की ओर से उनको चाहिए तो ओबीसी प्रमाण पत्र 8 लाख से नीचे है तो उनको वो जारी किया जाएगा। वो पोर्टल जो है आज जो जिसको हमने लॉन्च किया है, अभी तक इन सब तरह के जो प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं उसमें कुछ मैं संख्या बता देता हूँ। पिछड़ा वर्ग के लिए 4,76,000 प्रमाण पत्र अभी तक दिए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति के 7,04,000 रुपये 4,000 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र ये इशू किए जा चुके हैं। ये सारी प्रक्रिया एक प्रकार की फेसलेस और पेपरलेस, ऐसे एक पारिवारिक आईडी केवल उसको डाउनलोड नहीं उसको दर्ज करनी होती है, और जो प्रमाण पत्र चाहिए उसको दबाएगा तो उसको अपने आप सत्यापित वो जो मिल जाता है प्रमाण पत्र। यानी कोई भी प्रमाण पत्र देने के लिए जो प्रक्रिया है कि पहले स्वघोषित जाति जो भी है उसकी वो पहले ली जाती है, बाद में उस सारे डाटा को हम पटवारियों को भेज देते हैं और पटवारी उसको सत्यापित करके हमको लौटाता है तो सत्यापित जाति को उसकी दर्ज हो जाती है। क्योंकि एक बार कोई जाति है तो दर्ज होने के बाद हमेशा हमेशा उस परिवार को काम आती रहती है। ऐसा पहले हर व्यक्ति हर चीज के लिए अलग से प्रमाण पत्र बनवाता था, आज पूरे परिवार की जो एक सर्टिफिकेट है वो परिवार के किसी भी सदस्यों को वही सर्टिफिकेट जाके कहीं जो करना है तो काम आ जाएगा। इसमें चाहे वो SC है, BC है, DNT है, टपरीवास है, तो ये सब उसके अंदर आती हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी हमने इसमें जोड़ा है, जो ओल्ड एज पेंशन है वो प्रोएक्टिव मोड में, अब 60 साल का व्यक्ति होता है तो कोई भी जो डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी साइन करा करके लेके आता है और उसके विदिन ए मंथ उसकी जो ओल्ड एज पेंशन है मंजूर होकर के और उसके घर पहुंचने शुरू हो जाती है। 1,07,000 वृद्धजनों का और 13,000 दिव्यांगजनों का घर बैठे पेंशन का प्रावधान ये मतलब हम दी जा चुके हैं अभी तक, तो एक बड़ी सेवा और ये लोगों की हुई है। इसी प्रकार पिछले 2011 के बाद राशन कार्ड हमारे इससे पहले कब बने थे, 2011 का जो SCCC डाटा के आधार पर ही बना था। उसके बाद बीच बीच में इक्का दुक्का जरूर बनते रहे होंगे जिसका सर्टिफिकेट बन गया आ गया, वरना बड़ी संख्या में लोग जो पात्र थे उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। हमने आते ही जनवरी 2023 में अभी जब ये सारा सिस्टम इंटैक्ट हुआ तो 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। हाँ, जो पात्र नहीं थे उनके काटे भी थे, ये विषय हमारी चर्चा में पहले आ चुका है। तो इस प्रकार से कुल अब 35 लाख राशन कार्ड जो है BPL लोगों के ये बने हुए हैं। 56,46,000 चिरायु कार्ड जो आयुष्मान कार्डों के अलावा जिस जो आयुष्मान चिरायु दोनों मिला के अब 86 लाख कार्ड ये वितरित किए जा चुके हैं। कुल पात्रता है 1,40,00,000 लोगों की, बाकी अब धीरे धीरे कार्ड वितरित हो रहे हैं। लेकिन पात्रता होने के बाद कार्ड नहीं भी है, आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में वो अपना ID फैमिली ID बता करके उसका लाभ अभी भी उठा सकता है। ऐसा नहीं कार्ड नहीं मिला तो वो ले नहीं सकता, थोड़ा इतना ही उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 1,80 से नीचे अगर उसका फैमिली ID में इनकम है तो जाके दर्ज कराएगा तो अपने आप उसको वो लाभ मिलता रहेगा। अलग से जो एक योजना बनाई हमने निरोगी हरियाणा में भी, उसमें भी PPP के माध्यम से ही सारा दर्ज होता है। पहले चरण में 1,80,000 से नीचे के परिवारों के ही निरोगी हरियाणा के अंतर्गत टेस्ट हो रहे हैं। 27 लाख से अधिक ऐसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, धीरे धीरे इसको गति को हम बढ़ा रहे हैं। इस गति को बढ़ा करके हमारा टारगेट वही 1,40,00,000 लोगों का और एक बार शारीरिक उसके जो चिकित्सीय जो टेस्ट हैं हेल्थ जो टेस्ट होते हैं वो सब उसके करने की हमारी योजना है। तो ऐसा परिवार पहचान पत्र का एक यूनिक एक जो हमारा कार्यक्रम है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि उसमें अभी भी लोगों की कठिनाइयाँ ध्यान में आती हैं। हमें डाटा किसी का ठीक करना है, किसी का नाम, किसी के पिता का नाम, किसी का मान लो कोई आय की बात है अथवा अन्य जानकारियाँ, वो सब व्यवसाय आदि वो सब ठीक करने के लिए जो जो शिकायतें आ रही हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ कैंप्स लगा करके भी ऐसे सब लोगों को एक बार खुला निमंत्रण देके कि जिसकी कोई कठिनाई है वो आकर के एक बार नोट करा के दे ताकि वो जल्दी ठीक कर सकें।
एक पोर्टल हमने अभी लॉन्च किया है, वह ई रवन्ना पोर्टल। ई रवन्ना पोर्टल जिसके हमारे मंत्री हैं मूलचंद जी शर्मा, खनिज के यानी माइंस के, तो माइंस में जैसे शिकायतें बहुत हमको मिलती हैं, उसके अंदर यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ रेवेन्यू की चोरी है, यहाँ लोग फिजिकली स्टॉक कुछ होता है और दिखाते कुछ हैं, एक एक ई रवन्ना के ऊपर एक से अधिक गाड़ियां भी चलाने के लिए लोगों ने रास्ते निकाल लिए हैं, सो मेनी थिंग्स। उन सबको ठीक करने के लिए हमारे टेक्निकल लोगों ने ई रवन्ना का एक नया जिसको कहना चाहिए वर्जन, पुराना ई रवन्ना खत्म करके नया ई रवन्ना पोर्टल आज लॉन्च किया है। इस नए ई रवन्ना में प्रयोग के तौर पर सबसे पहले जिला चरखी दादरी में इसको लागू किया गया, क्योंकि चरखी दादरी के अंदर जो माइंस हैं खास करके पहाड़ की माइनिंग ये बड़ी मात्रा में वहाँ है, तो वहाँ उसकी आवश्यकता को समझते हुए चयन उसका किया। जैसे ही इसमें सफलता सारी सुनिश्चित हो जाएगी तो फिर बाकी जगह जो हमारी नदियों की माइनिंग है अथवा पहाड़ की माइनिंग है सब जगह इसको लागू करेंगे। इसको यानी इसका उद्देश्य है यानी खनिज जो खनन है उसका स्टॉक सत्यापन, ढुलाई, राजस्व, रियल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम, इस सारे को तैयार करते हुए एक अच्छा पोर्टल हमने किया है। इससे पूरा जो नियंत्रण बन जाएगा, धर्म कांटे का लिंकेज से किया गया है, स्वचालित सत्यापन होगा, लीज अनुबंध, खनिज डीलर, क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पर्यावरण मंजूरी, खनन योजना की वैधता, उत्पादन, प्रेषण, पंजीकृत ट्रक नंबर, खनिज स्टॉक, खनिज ढुलाई, गंतव्य आदि, और जो भी लोग इसका काम करने वाले जितने चाहे वो उद्योग के नाते से अपना उसकी पिसाई करते हैं अथवा खुदाई करते हैं, ढुलाई करते हैं, और उनके आगे फिर जितने उनके डीलर्स हैं सब रजिस्टर्ड होते हैं, उन सब का भी एक डाटा उसमें रखा जाएगा और रियल टाइम उसकी जानकारी, जैसे ही कोई गाड़ी कहीं से चलती है भरती है तो उसकी रियल टाइम जानकारी डिपार्टमेंट को यहाँ बैठे बैठे सब मिलेगी। अंतर तो यही है कि पहले कुछ चीजों की जैसे मैंने बताया लीकेज हो जाती थी, वर्जन जो था वो टेक्नोलॉजिकली उतना साउंड नहीं था और कई चीजें ऐसी हैं कि डुप्लीकेट भी उसमें हमें पाई गई हैं। एक एक ई रवन्ना के ऊपर एक से दो बार भी ट्रक जाते हुए ऐसे पकड़े गए हैं और ऐसी कुछ कमियां जो ध्यान में आती थी उन सबको दूर करते हुए एक नया वर्जन और ये इसका ये किया है। पारदर्शिता और अधिक आई है और उसमें फील्ड के अधिकारी हों या राज्य स्तर के यहाँ अधिकारी हों या फिर दूसरे उपयोगकर्ता हैं, उन सबको इससे एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और उसकी जानकारी हम पब्लिक ओपन भी कराएंगे क्या? हाँ आप बताएं। जो पहले से अब जो चेंजेस हैं वो ये है कि अब पहले क्या होता था कि जो कांटे की एंट्री मैन्युअली होती थी, अब कांटे में जब भी जाएगा वो ऑटोमेटिकली वेट फिट होगा, किसी को एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैनुअल एंट्री के कारण जो गलत वीरावरना कट जाता था उसकी अभी गुंजाइश खत्म सी होगी। दूसरा ये है कि अब मटेरियल बैलेंस, मटेरियल बैलेंस का मतलब खान से कितने निकला, क्रशर पे कितना गया, क्रशर से आगे जीएसटी के माध्यम से कितना आगे हुआ, इन सबकी चेक होगी। क्योंकि अगर मटेरियल बैलेंस अगर रखते हैं, अगर पत्थर निकलता है और उसकी क्रशिंग होती है तो उसको एक बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कमी है, तो वो इमीडिएटली पकड़ में आ जाएगी कि अगर इलीगल माइनिंग करते हैं कोई या इलीगल सेल होता है वो जीएसटी में आ जाती है, फिर यहाँ पकड़ में आ जाएगी कि इलीगल माइनिंग हो रही है। तीसरा विषय इसमें ये है कि पहले रेवेन्यू सिस्टम इसके साथ लिंक नहीं था, यानी उसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस कब हुई, माइनिंग प्लान अप्रूवल कब हुई, कब उसकी पेमेंट ड्यू है, कितनी पेमेंट ड्यू है, पेमेंट को अब पेमेंट के लिए अगर ड्यू पड़ती है 15 तारीख को तो 15 दिन पहले नोटिस चली जाएगी कि आपका ड्यू है, 15 दिन में पेमेंट करना है, और अगर डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्ट के ग्रेस पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली ये रवाना बंद हो जाएगी, जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन कोई नहीं आएगी। तो ये रेवेन्यू सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ा रहे, तो मुख्यतः ये तीन या चार विषय में चेंजेस। पूरा जो भार है अफेक्टेड लोग जो कंज्यूमर ही होते हैं, चाहे वो रहने वाले प्लॉट धारक हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग एचएसआईडीसी के माध्यम से प्लॉट लेते हैं, क्योंकि जितना भी अनाउंसमेंट आएगा नियम है विभागों का कि सारा पास ऑन किया जाएगा, कोई डिपार्टमेंट अपने पास से नहीं देगा, और उसके अंदर हमारे दोनों डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रेस में थे, चाहे वो एचएसआईडीसी है चाहे वो एचएसवीपी है,
हमने उसमें से बाहर निकल करके और ई भूमि का जब से शुरू किया है, यह जो पहले जमीनें हमारे पास पड़ी थी उन्हीं का हमने उपयोग किया है। ई भूमि पर बहुत अधिक तो हमें उस समय जमीन खरीदने को नहीं मिली, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से लगभग 1000 से लेकर 1200 एकड़ तक हम उसमें ले चुके हैं, जहाँ तक मेरी मोटी मोटी जानकारी है। हाँ, लेकिन इसको हमें गति को बढ़ाना है, और गति को बढ़ाने के लिए आज हमको बड़े चंक ऑफ लैंड, चाहे वो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए है, चाहे वो व्यावसायिक संस्थान है अथवा आवासीय संस्थान है, या बड़े दूसरे नए शहर बसाने की बात भी आती है कभी कभी, तो ऐसे सब चीज़ों के लिए बड़ा चंक ऑफ लैंड ये हमको उसके अंदर ई भूमि के अंतर्गत लेना है, खरीदना है। मैं इसको खरीदना शब्द कह रहा हूँ, ये अधिग्रहण नहीं है, बल्कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कुछ लोगों ने अधिग्रहण शब्द का उपयोग किया है, इसको कृपया ना कराएं, पब्लिक रिलेशन, ये अधिग्रहण नहीं है। अधिग्रहण होता है सामने वाले की इच्छा के बिना उसको लेना, वो अधिग्रहण होता है। इसमें इच्छा के विरुद्ध नहीं है, इसमें तो सामने वाले को हमारी आवश्यकता हम बताएंगे, सामने वाला स्वीकार करेगा या सामने वाला ऑफर करेगा, हम उसको खरीदेंगे। म्यूचुअल कंसेंट से जो लीज चीज होती है वो खरीद होती है, ई भूमि खरीद है, ई भूमि अधिग्रहण नहीं है। तो उस ई भूमि खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उसमें पहले व्यवस्थाएं जो चल रही थी उसमें कुछ नियमों में परिवर्तन करके उसमें बनाया गया। इसमें सबसे बड़ा जो विषय है, किसान के साथ साथ एग्रीगेटर्स भी होंगे, क्योंकि किसान की जमीन छोटी होती है, 2 एकड़ 1 एकड़ 3 एकड़, वो आसपास की जमीन को जब तक इकट्ठा लेके नहीं आएंगे तो उस जमीन का हमें उपयोग नहीं होगा। तो एग्रीगेटर्स को रजिस्टर करना वो इस ई भूमि पोर्टल के ऊपर उसकी सुविधा है, और उन एग्रीगेटर्स को रजिस्टर करके उनकी फिर एक ट्रेनिंग भी कराएंगे, उनको एक जिसको कहना चाहिए अवेयरनेस भी पैदा करेंगे भी आपने कैसे करना है। कम से कम 10 एकड़ जमीन को एग्रीगेटर जो है ला करके रजिस्टर कर सकता है, इंडिविजुअल तो जिसकी जितनी उतनी करेगा, लेकिन अगर एग्रीगेटर है तो आसपास की 10 एकड़ की लैंड का जो जंक है वो हमें ऑफर करेगा, तो हम उसको खरीदने के लिए तैयार होंगे। अब कितने ही एग्रीगेटर आएंगे और कितनी जमीन को ऑफर करेंगे, मानो हमें चाहिए 100 एकड़, और हो सकता है कि 500 एकड़ आसपास के लोगों ने सबने प्रदान किया, हमें उस 100 एकड़ का कौन सा चंक ऑफ लैंड जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो लेंगे, बाकी जो छुटपुट हैं वो छोड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन हर एग्रीगेटर वो अगर खरीद का उसका अगर विषय पूरा नहीं भी हुआ, केवल उसने जमीन को ऑफर कर दिया, तो भी उसको 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये पर एकड़ उसको राशि मिलेगी, कम से कम उसका प्रारंभिक एक पारिश्रमिक है वो उसको मिलेगा। हाँ, अगर खरीद मैच्योर हो जाती है तो उसका राशि का 1%, यानी जो जमीन की कीमत है उसका 1% जो है वो उसको मिलेगा, वो अपने आप में अच्छी राशि बनती है। मान लो अगर 50 लाख रुपए का भी एकड़ है तो उसको 50,000 रुपये मिल जाएगा, तो ये राशि का वो हकदार हो जाएगा। और जब कोई जमीन का जब वो रजिस्टर करेगा, ऑफर करेगा, तो उस जमीन के टुकड़े में जितने मालिक हैं, क्योंकि कई बार साझा प्रॉपर्टी होती है, शेयर्ड प्रॉपर्टी, तो ऐसी साझा प्रॉपर्टी में मानो एक ही जमीन में 4 मालिक हैं, तो चारों की सहमति लेकर के तब वो रजिस्टर कर सकता है। ऐसा नहीं कि 4 में से 1 की सहमति मिली तो उसका कर दिया, बाकी 3 वो जमीन ले जा नहीं सकेगी। तो इसलिए वो सब उसमें किया है। एक कंडीशन लगाई है कि जो एग्रीगेटर है वो आयकर दाता होना चाहिए, और फैमिली आईडी में उसका पहचान पत्र होना चाहिए, क्योंकि आयकर दाता होता तो कम से कम उसका लेवल ये ध्यान में आता है कि हाँ इस लेवल का आदमी है, जो उसके ऊपर कुछ भरोसा किया जा सकता है। इसमें एक पहले जो हमने प्रॉपर्टी डीलर्स को एक एक्ट बना हुआ है, प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट एक्ट 2008, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होती थी तो उसको हम स्वीकार करते थे, हमने वो भी हटा दिया है कि अब कोई उस एक्ट में 2008 के एक्ट में रजिस्टर होना ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी जो भी नामित एजेंसी या जो इस प्रकार के जो एग्रीगेटर के की जो पैनलिंग की प्रक्रिया है उसको भी हम ऑनलाइन पोर्टल से सारा इसको प्रस्तावित किया गया है, तो ऑनलाइन वो मैं सूचीबद्ध अपने आप को करा सकता है। कोई व्यक्ति इस प्रकार का जो पोर्टल है उसमें कंप्यूटर पर अथवा SMS के माध्यम से भी वो हमें अपनी ऑफर भेज सकता है। SMS से भी वो जो जानकारी भेजेगा उसका रजिस्ट्रेशन फिर उसको ऑफर करके बाकी जानकारियां उसकी ले ली जाएंगी। जितनी लैंड हमको चाहिए, मान लो हम डिमांड करते हैं, तो उस लैंड के एक चंक में अगर 70% लैंड उस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है, उस 70% या इससे ऊपर हो जाती है, तो ही हम उसको खरीदेंगे।
अगर 70% से कम है तो अभी हमें उसकी आवश्यकता 70% इसलिए रहेगी कि हमारे से प्रावधान है कि 30% तक उस लैंड में जो लैंड ओनर्स रह गए हैं उनको हम अल्टरनेटिव लैंड देकर के कंसोलिडेशन एक्ट में कंसोलिडेट कर सकते हैं और उसको जितनी जमीन है उतनी जमीन बाहर देंगे, प्लस उसको एक इंसेंटिव है शायद 10% का 10% इंसेंटिव दे करके और उससे ले सकते हैं। और इस लैंड में अतिरिक्त कोई भी चीजें अगर होंगी, लैंड की कीमत जो भी है उसके अलावा कहीं किसी का ट्यूबवेल लगा है, कहीं किसी का मकान है या और अतिरिक्त कोई भी उसमें ऐसा एसेट उसका है, उस एसेट के पैसे वो अलग दिए जाएंगे। और वहाँ जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के अंदर अगर कोई चीज की ऑफर आती है, कलेक्ट्रेट या मानो कभी डिस्ट्रेस सेल में हो सकता है कोई उससे कम भी ऑफर करे, तो वो ऑटोमेटिकली खरीद हो जाएगी इन कंडीशनों के बाद। 70% होते ही ऑटोमेटिक खरीद हो जाएगी और खरीद करके उनको और उनके पैसे चले जाएंगे। कोई भी जो ऑफर है वो 6 महीने तक अलाइव रहेगी। 6 महीने बाद सामने वाला भी फ्री है, उस क्यों 6 महीने तो उसके बाद वो भी उसमें से बाहर हो सकता है, या हम खरीदने के बाद भी 6 महीने बाद कह सकते हैं कि हमारी जमीन पूरी नहीं हुई है, नाउ दिस शुड बी रीवैल्यूएटेड, उसको रीवैल्यूएशन करेंगे। तो और इसी प्रकार अगर वो उस कीमत से ज्यादा है, यानी कलेक्ट रेट से ज्यादा है अप टू 50%, कलेक्ट रेट से 1,00,000 रुपए कलेक्ट रेट है और 1,50,000 तक का रेट अगर भरा है, तो वो एक कमेटी हमारी चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी होगी, वो जमीन सारी उनके पास चली जाएगी। वो फिर कमेटी बैठकर डिसाइड करेगी, नेगोशिएट भी करेगी कि इस नेगोशिएशन में कितने में जमीन ली जा सकती है। और अगर 150% से भी ज्यादा रेट है कलेक्ट रेट से, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक मिनिस्ट्रियल कमेटी है, फिर वो आएगी हमारे पास और हम उसका उनसे नेगोशिएट ऑनलाइन करेंगे, यानी चाहे प्रत्यक्ष बुला के करेंगे अथवा आजकल टेलीकास्ट से भी ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है उसे करके, और तब वो खरीदी जाएगी। ये एक प्रक्रिया भी उसमें की जाएगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट बताना होगा तो बताएंगे। प्रोजेक्ट में तो यह है कि उसका 70% की कंडीशन है, लेकिन कभी भी ओपन एंडेड लैंड भी हम खरीद सकते हैं। ओपन एंडेड लैंड के लिए हमने एक लैंड बैंक बनाने की अपनी योजना बनाई है कि वो जमीन सारी लैंड बैंक में ले लेंगे और उसकी बाद में कंसोलिडेशन के माध्यम से इकट्ठा करने का जैसा प्रावधान है वो करेंगे। मानो कहीं किसी गांव में हमें लगता है कि बहुत छोटे छोटे भूमि मालिक हैं, किसी की 1 कनाल है, किसी की 10 मरले है, किसी की 2 कनाल है, और उनका वायबल खेती तो है नहीं, और कई बार तो वो लोग अपनी जमीन के हिस्से को यहाँ छोड़ करके किसी भी धोकर के चले जाते हैं, बाहर चले गए कहीं। ऐसे लोगों से अगर जमीन खरीदने का हमारा कल को प्रपोजल बनता है और वो एक गांव के अंदर 100 लोगों ने हमें आधा आधा एकड़ दे दी या 2-2 कनाल दे दी, तो बाद में उस गांव की सहमति से कंसोलिडेशन करके और हम जो है उसको इकट्ठा करके फिर उस गांव के उपयोग के लिए अथवा किसी प्रोजेक्ट के लिए वो काम आ सकती है, तो वो अलग भी ली जा सकती है। अधिकारी इन कंसल्टेशन विद ईच अदर वो उस प्रक्रिया को जरा स्पीड अप करेंगे। तो ये भी एक विषय इसके अंदर हमने किया है। तो एक पारदर्शी ऐसा सिस्टम जिसमें भूमि मालिक, एग्रीगेटर और विभाग ऐसा मिल करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि एक इतना पारदर्शी सिस्टम जमीन को खरीदने का मुझे नहीं लगता कहीं और बना होगा। हम इस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक पारदर्शी जिसमें विवाद ना हो, क्योंकि जमीनों के विवाद सरकार के बीच में, बार करगार डिपार्टमेंट के बीच में, आपस में किसानों के, अभी आप कासन देख लीजिए, कासन का विवाद 2011 से शुरू हुआ, आज 2023 में खत्म हो रहा, 12 साल लग गए और ये तो 12 साल में खत्म हो गया। बहुत से ऐसे विवाद हैं जो 50-50 साल से भी पेंडिंग पड़े हैं, वो खत्म नहीं हुए। हम बहुत चीज़ें, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, फिर हमारा ये जो लाल डोरा खत्म करना, ये जो लार्ज स्केल मैपिंग, कई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा हो कि हर इंच ऑफ लैंड जो है वो हमारी रिकॉर्ड पर हो कि ये किसकी है, कौन मालिक है, कौन इसका काश्तकार है, दोनों में एक डिफरेंस, ये भी करके हम आगे चल रहे हैं ताकि हर किसी को अपने अपने क्षेत्र के बारे में सब जानकारी हो कौन किसकी है। एक विषय वो है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, जिसको पहले हमने लॉन्च किया था और उसमें हर प्रकार की क्षति, चाहे वो बाढ़ से प्रभावित कोई क्षेत्र है अथवा अन्य प्रकार के, कई बार लॉस हो जाते हैं, जैसे कभी कोई दंगा हो गया, कभी कोई
और किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ गई, जैसे उन्नू का विषय आया था, ऐसे हर प्रकार के लॉस को दर्ज करने के लिए हमने पोर्टल बनाया है। उसमें काफ़ी कुछ डाटा हमारे पास आ गया है, चाहे वो फसलों का है अथवा पशुधन और संपत्ति उसका रिकॉर्ड है, और उसकी जो मुआवजा है वो बहुत जल्दी हम फाइनल करके और उसका हम एक दिन जैसे ही फाइनल हो जाएगा उस दिन पे करने के लिए ऑनलाइन पे करेंगे। उसकी जो दरें हैं मोटे रूप से, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसमें चाहे वो पशु यानी खेती का किसानों का, तो जैसे पता है ही अपने को कि फसल में 15,000 रुपया 75% से अधिक की जो खराबा है, उसमें गेहूं धान कपास और गन्ना इसका 15,000 रुपया है, सरसों और अन्य फसलें 12,500 रुपया है। ऐसे 50 से 74% तक गेहूं धान गन्ना 12,000 है और सरसों और अन्य 9,000 है। 25 से 49% गेहूं धान कपास गन्ना 9,000 है और सरसों और अन्य 7,000 रुपया है। इसमें एक विषय आया था कि धान के जो किसान हैं जिन्होंने बुआई की हुई थी तो पानी के कारण से उनका धान उस समय समाप्त हुआ, लेकिन बुआई का समय भी बाकी था। उस समय मैंने कहा था कि दोबारा बुआई जो करेंगे उनको, जो पहले एक बार बुआई की गई है और दूसरी बार फिर बुआई की गई है तो कुछ नुकसान उसका हुआ है, उस नुकसान के लिए मैंने तय किया कि प्रति एकड़ 7,000 रुपया ये भी हम देंगे जिन्होंने दोबारा बिजाई धान की है। धान के अतिरिक्त कोई करता है, धान वाली ही खेती में करता है, उसके लिए हमारी पहले योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, उसमें भी 7,000 रुपया ये दिया जाता है। नहीं, इस बार टारगेट वर्ष इसके कारण से, बाढ़ के कारण से उस टारगेट को वही रखा हुआ है कि हर साल अगर 1,00,000 एकड़ भी अगर होता रहता है तो एक ये सहज प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बहुत क्षेत्र ऐसा है किसानों ने अपनी असमर्थता भी जाहिर की है कि हमारे इलाके में धान के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। मैं कई ब्लॉक्स में खुद भी गया हूँ तो उन इलाकों में जमीन की स्थिति ऐसी हो गई है, जमीन के नीचे परत जम गई है, उस परत जम के कारण से पानी जो रिचार्ज नहीं होता है, पानी ऊपर खड़ा हो जाता है और खड़े पानी में धान के अलावा और कोई फसल होती नहीं है। तो इसलिए उन किसानों की इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर हमने स्वैच्छिक रखा हुआ इसको, इसके ऊपर कोई बहुत ज़बरदस्ती हमने इसलिए नहीं किया कि किसान को तो ये देखना है कि मुझे फसल भी ठीक मिले, उसका पैसा भी पूरा मिले और धान के अलावा बोने की अगर स्थिति आ सकती है तो उसकी वो बुआई करता है। ऐसे ही एक विषय पिछले दिनों में एक समाचार हमारे विपक्षी मित्रों ने उठाया था कि जो अर्बन लोकल बॉडीज का जो यह है प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल, उसके अंदर कुछ 65,000 प्रॉपर्टीज के नक्शे वो गायब हो गए हैं, वो मिले नहीं हैं। आप लोगों ने तो किसी ने देखा कि नहीं देखा, मैंने स्वयं देखा कि उनकी स्टेटमेंट आई थी तो कोई बाद में प्रश्न आया, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक तो पोर्टल के अंदर छोटा सा एक बग आया था, जिस बग के कारण से और उसका जो डिस्प्ले था वो डिस्प्ले एक बार समाप्त हुआ, फिर उस पोर्टल के अंदर सावधानी जो भी बरतनी थी उस पोर्टल को ठीक कर दिया गया है और वो सारे का सारा जो डिस्प्ले नहीं हो रहा था वो बैक ऑफिस में तो पूरा उसका डाटा था, ऐसा नहीं कहीं चला गया, लेकिन वो डिस्प्ले कई बार नहीं होता, टेक्निकल चीज़ में खराबी आ सकती है, वो सारे का सारा रिकवर करके फिर डाल दिया गया है। और अब चूँकि वो तीन विभागों का पोर्टल है, चाहे उसमें हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग है और अर्बन लोकल बॉडीज है, HIDC है, बिल्डिंग प्लान का डाटा था, वो जो ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम हॉप पास तो उस सिस्टम में कहीं कोई बग आया था तो इसके कारण से वो उसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा था, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। और हर एक प्रकार का डाटा बैक ऑफिस में हम हर जगह रखते हैं, उस डिपार्टमेंट का जो सर्वर होता है उसमें भी रहता है और बैक ऑफिस में सारा डाटा। आजकल तो सिक्योरिटी के कारण से कौन सी चीज़ कहाँ गड़बड़ हो जाए, इसलिए उसका बैक ऑफिस में पूरा डाटा और सिक्योर डाटा, वो डाटा ऐसा भी नहीं है कि सिक्योरिटी के कारण से कहीं बाहर कोई इसका उपयोग कर सकता है, कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता, तो इसकी जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ कि इसको हमने ठीक कर दिया है, कहीं कोई विषय दोबारा भी आता है तो आपको ध्यान रखना। कुल मिलाकर के ये विषय थे और इसके अलावा जो मुझे 2-3 जानकारियाँ वो देनी है कि अभी पिछले दिनों में जैसे देश भर में एक बहुत ही गौरव का अपने ये विषय है कि G20 का जो लगभग साल भर जो कार्यक्रम चला, पूरी दुनिया के लोगों ने भारतवर्ष में आकर के तरह तरह के विषयों के ऊपर चिंतन किया और सहयोग से दिल्ली के नज़दीक होने के कारण से हमको भी बहुत अवसर मिले,
तीन बार तो जो सेमिनार ये सम्मेलन हुए और अलग अलग विषयों को लेकर के गुरुग्राम में हुए, और बद में सबसे प्रमुख बात ये थी कि जब उन सब विषयों को मिला करके और क्या उसका मंथन निकला है, रिपोर्ट क्या बनाई जाए, तो शेरपा होते हैं हर एक कंट्री का जो ब्यूरोक्रेट हेड होता है, ब्यूरोक्रेट हेड वो वहाँ के सब ने बैठ करके सभी देशों के लोगों ने तो नू में जो होटल है ग्रैंड भारत उसमें बैठ करके तीन दिन तक सारा चिंतन किया और उसका एक प्रारूप बनाया। फिर जो हेड्स ऑफ द कंट्रीज वो दिल्ली में आए, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वो सारा कार्यक्रम हुआ और उसमें एक घोषणा पत्र दिल्ली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वो, और इसके ऊपर बहुत प्रश्नचिन्ह थे कि इस प्रकार का कोई कॉमन डिक्लेरेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे देश हैं, उन्होंने अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की भिन्नताएं आ जाती हैं, कई तरह के डिफरेंसेस होते हैं, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके तो न्यूनतम मिनिमम कॉमन जिसको कहना चाहिए कॉमन प्रोग्राम टू बी एक्सेप्टेड वो एक घोषणा पत्र तभी बनता है। तो चैलेंज था बड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ जो सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारी टीम ने लग करके सब मंत्रालयों ने मिल करके उसके ऊपर एक कॉमन डिक्लेरेशन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बनाया है, ये भी एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ है। ऐसे ही एक कार्यक्रम चल रहा है वो हमारा साइक्लोथोन का, जो 1 सितंबर को मैंने स्वयं करनाल से उसको शुरू कराया था, लगभग 10-12 हज़ार साइक्लिस्ट ऐसे थे जो उन्होंने वो शुरू किया था। 25 दिन की यात्रा हरियाणा में एक अच्छे उत्साह के साथ चल रही है, जिसके अंदर युवा वर्ग के लोग भी हैं, कुछ स्कूल के विद्यार्थी भी आते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं बड़ी आयु के वो भी हैं, संस्थाएँ भी उसमें लगी हैं, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, ऐसे सब मिल करके उस यात्रा को कर रहे हैं और अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। पहला कार्यक्रम करनाल में था, दूसरा 17 सितंबर को मैं सिरसा में रहूंगा और फिर 25 को उसका समापन है यमुनानगर और करनाल दोनों जगह होगा। यमुनानगर में प्रातःकाल हरी झंडी दिखाएंगे आखिरी दिन है और सायंकाल वो करनाल में जाके समाप्त होगी, करनाल टू करनाल पूरा एक सभी 22 जिलों केंद्रों पर जा करके, और इसके अलावा भी कुछ स्थानों पर गए हैं। सिरसा और फतेहाबाद वहाँ थोड़ा ज़्यादा समय लगाया है कि वहाँ पर अवेयरनेस की ज़्यादा जरूरत है, इस नाते से वो कार्यक्रम हुआ है। जनसंवाद के कार्यक्रम मेरे चल रहे हैं तो उसमें भी मेरा 8 राउंड मेरे हो चुके हैं, 3-3 दिन के 24। तो सेम शहरी आवास योजना से मिलेंगे मकान, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। जनता की सुविधा के लिए बनाए गए हैं परिवार पहचान पत्र से गरीब परिवारों को यहां पर फायदा पहुंचेगा, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है। 86 लाख चिरायु कार्ड योजना भी बनाए गए हैं। तो वही आपको बता दें कि एक साथ कई पोर्टल का यहां पर शुभारंभ किया गया है। तो वही नो लिटिगेशन पॉलिसी पोर्टल का